नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा, सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बात बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई कि इस बात को लेकर आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। जो मूलभूत बात है, अच्छा होता है कि उस पर भी चर्चा होती कि खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ कहाँ है। मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण की बात बताना चाहता हूँ। वो छोटे किसानों की दयनीय स्थिति पर हमेशा चिंता करते थे। प्रधानमंत्री के राज्यसभा के संबोधन के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता की। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा, MSP था, MSP है और रहेगा। आदरणीय सभापति जी, सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा, ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई, किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है, लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता है तो उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं, उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे मुझे खात्री है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस पूरी चर्चा को एक गंभीरता दिया और उन्होंने सरकार के जो अच्छे प्रयास है उसकी सराहना भी की, क्योंकि वो किसानों के लिए समर्पित रहे हैं जीवन भर और उन्होंने इस सरकार के प्रयासों की सराहना भी की और उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिए। मैं आदरणीय देवगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ें कहां है, मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जो विस्तार से वो बताया था उसी का जिक्र करना चाहता हूं। बहुत लोग हैं जो चौधरी साहब की विरासत संभालने का गर्व करते हैं, वो जरूर इस बात को समझने का शायद प्रयास करेंगे। वो अक्सर 1970-71 जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उसका जिक्र उनकी भाषण में हमेशा आता था और उल्लेख करते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कहा था, उनका कोट है, किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 2 बीघे नहीं है, 2 बीघे तक है, 2 बीघे से कम। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2 बीघे से 4 बीघे जमीन है, यानी आधा हेक्टर से 1 हेक्टर, ये 51% किसान है। ये चाहे कितनी मेहनत करे अपनी छोटी सी जमीन पर, इनकी गुजर ईमानदारी से उसमें हो नहीं सकती। ये चौधरी चरण सिंह जी का कोट है। छोटे किसानों की दयनीय स्थिति चौधरी चरण सिंह जी के लिए बहुत ही हमेशा पीड़ा देती थी और हमेशा उसकी चिंता करते थे। अब हम आगे देखें, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51% थे, आज 68% हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% प्रति किसान, ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है?
क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ये सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए छोड़ करके गए हैं, हमें जवाब को ढूंढना होगा। हमें चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भी, इस काम के लिए जिसको जो सूझे, जिसको मौका मिले, सबने करना होगा, तब जा करके हम इन कर सकते हैं। अब पहले की सरकारों की सोच में छोटा किसान था क्या? अगर एक बार हम थोड़ा सोचेंगे तो ध्यान आएगा। मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हमने सचमुच में, हम सबने सोचने की आवश्यकता है। जब हम चुनाव आते ही एक कार्यक्रम करते हैं कर्ज माफी, अब वो किसान का कार्यक्रम है कि वोट का कार्यक्रम है, वो तो हिंदुस्तान में हर कोई भली भांति जानता है। लेकिन जब कर्ज माफी करते हैं तब छोटा किसान उससे वंचित रहता है, उसके नसीब में कुछ नहीं आता है, क्योंकि कर्ज माफी जो बैंक से लोन लेता है उसके लिए होती है। छोटा किसान का बेचारा बैंक में खाता नहीं, वो कार लोन लेने जाएगा? हमने छोटे किसान के लिए नहीं किया, भले ही हमने राजनीति कर ली हो। एक दो एकड़ जमीन वाले किसान जिसके पास बैंक का खाता भी नहीं है, न वो कर्ज लेता है, न कर्ज माफी का फायदा उसको मिलता है। उसी प्रकार से पहले की फसल बीमा योजना क्या थी? एक प्रकार से वो बीमा जो बैंक गारंटी के रूप में काम करता था, और वो भी छोटे किसान के लिए तो नसीब ही नहीं होता था, वो भी उन्हीं किसानों के लिए होता था जो बैंक से लोन लेता था और उसका इंश्योरेंस होता था, तो बैंक वालों को भी एक विश्वास हो जाता था, चल जाता था। आज 2 हेक्टर से कम कितने किसान हो गए जो बैंक से लोन रहे? सिंचाई की सुविधा भी छोटे किसान के नसीब नहीं हुई। बड़े किसान तो बड़ा बड़ा पंप लगा देते थे, ट्यूबवेल कर देते थे, बिजली भी ले लेते थे और बिजली भी मुफ्त मिल जाती थी, उनका काम चल जाता था। छोटे किसान के लिए तो सिंचाई के भी लिए दिक्कत थी, वो तो कभी ट्यूबवेल लगा ही नहीं सकता था, कभी कभी तो उसको बड़े किसान से पानी खरीदना पड़ता था और जो दाम मांगे वो दाम देना पड़ता था। यूरिया, बड़े किसान को यूरिया प्राप्त करने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, छोटा किसान को रात रात लाइन में खड़े रहना पड़ता था, उस पर डंडे चलते थे और कभी कभी तो बेचारा यूरिया के बिना घर वापस लौट जाता था। ये हम छोटे किसानों के हाल जानते हैं। 2014 के बाद हमने कुछ परिवर्तन किया, हमने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया ताकि किसान, छोटा किसान भी उसका फायदा ले सके, और बहुत मामूली रकम से ये काम शुरू किया। और पिछले 4-5 साल में फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपये, ये छोटी रकम नहीं है, 90,000 करोड़ रुपये उसके क्लेम किसानों को मिले। कर्ज माफी से भी आंकड़ा बड़ा हो जाता है। छोटा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड हुए, लेकिन बड़े किसानों तक गए और वो बैंक से बहुत ही कुछ तो राज्यों में 0% से ब्याज से उनको मिल जाते थे पैसे, और उनके कोई ना कोई दो धंधा व्यापार होता था, पैसे वहाँ भी लग जाते थे। उसी प्रकार से हम एक योजना ले आए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, सीधे किसान के खाते में, और ये गरीब किसान को जिसके पास कभी इस प्रकार की मदद नहीं पहुंची। 10 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिल गया, और अगर बंगाल में राजनीति आड़े ना आती तो बंगाल के किसान भी अगर जुड़ गए होते तो ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा होता। और अब तक 1,15,000 करोड़ रुपया इन किसानों के खाते में गया। ये गरीब छोटे किसान, उनके पास गया है। हमारी सब योजनाओं के केंद्र बिंदु में सॉइल हेल्थ कार्ड, हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड दिवाते ही, ताकि हमारे छोटे किसान को भी उसकी जमीन कैसी है, कौन सी उपज के लिए योग्य होगा, हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए काम किया। उसी प्रकार से हमने यूरिया का निमकोट किया, 100% किया। 100% के पीछे इरादा हमारा यही था कि गरीब से गरीब किसान तक भी यूरिया पहुंचने में रुकावट ना हो, यूरिया डाइवर्ट होता है बंद हो, और उसमें हम सफल भी हुए।
छोटे और सीमांत किसानों के लिए हमने पहली बार पेंशन की सुविधा की योजना लेकर के आए और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे हमारे छोटे किसान भी आ रहे हैं। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये किसानों की गांव की जिंदगी को बदलने का एक बहुत बड़ा यश रेखा होती है और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया। पहली बार हमने किसान रेल की कल्पना की, छोटा किसान का माल बिकता नहीं था, आज किसान रेल के कारण गांव का किसान रेलवे के माध्यम से मुंबई के बाजार तक अपना माल बेचने लगा, फल सब्जी बेचने लगा है, उसका लाभ ले रहा है, छोटे किसान को फायदा हो रहा है। किसान उड़ान, किसान उड़ान के द्वारा हवाई जहाज से अब जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अभाव में वहां का किसान हमारा बेनिफिट नहीं ले पाता था, आज उसको किसान उड़ान योजना का लाभ मिल रहा है। छोटे किसानों की परेशानियों से हर कोई परिचित है, समय समय पर उनके सशक्तिकरण की मांग भी उठी है। हमारे आदरणीय शरद पवार जी और कांग्रेस के बीच हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है, कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है और आज नहीं जब भी जो जहां थे सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूं, ठीक है पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस विषय में हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कई पहलुओं पर इस कानून को लेकर के यहां पर ये सारी बातें पिछले दो दशक से लगातार चल रही है। हर दूध उत्पादन किसी बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, न पशुपालक बंधनों में बंधा हुआ है, न दूध बंधनों में बंधा हुआ, लेकिन मजा देखिए दूध के क्षेत्र में या तो प्राइवेट या कोऑपरेटिव दोनों ने एक ऐसी बड़ी मजबूत चेन बनाई है, दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन हमारे देश में बनी है। इसको हमने जो अच्छा है उसको, और ये मेरे काल में नहीं बना है, आप भी इसका गर्व कर सकते हैं, मेरे काल से पहले बना हुआ है, हमें गर्व करना चाहिए। फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में ज्यादातर बाजारों का सीधा संपर्क रहता है, बाजारों की दखल हट गई है, इसका लाभ मिल रहा है। क्या डेयरी वाले सफल सब्जी खरीदने वाले उद्यमी पशुपालों की किसान क्या जमीन पर कब्जा हो जाता है, उनका पशुपालन पर पशु पे कब्जा हो जाता है, नहीं होता, दूध बिकता है, पशु नहीं बिकता है जी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए टिकैत ने कहा किसानों को उलझाया जा रहा है, हमने कभी नहीं कहा MSP खत्म हो रहा है, हमारी मांग है कि MSP पर कानून बने, MSP पर कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा, MSP पर कानून नहीं है ऐसे में व्यापारी किसानों को लूट रहे हैं, केंद्र तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है, किसान बिरादरी आंदोलन कर रही है और इस बिरादरी के साथ में आम जनता भी खड़ी है। टिकैत बोले किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अगर सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है तो किसान संयुक्त एकता मोर्चा सरकार से वार्ता करने के लिए तैयार है, हम सरकार से वार्ता करना चाहते हैं। और बातचीत कर रहे होंगे, हमने काम नहीं करा, बात कर लो। प्रधानमंत्री ने सर बोला कि MSP था, MSP है, MSP रहेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे वे उलझा रहे, हमने कहाँ कहा कि MSP खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि MSP पे कानून बने, MSP पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब MSP पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको, ये कहा हमने। हाँ, अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिख का बनाया, फिर अलग अलग बनाया, किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका,
ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है, ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन नहीं। प्रधानमंत्री जी कहना ये है कि जो कृषि विधेयक उस पे समस्या या समाधान दोनों में से एक रास्ता निकल सकता है, समस्या या समाधान, समस्या ही कारण दो बजे ने बिल्लू को वापसी दे लो अपना निमट जाएगा और एमएसपी पे कानून बनेगा। मोदी जी ने ये भी कहा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तभी भी लोग प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन ये टाइम जो प्रोटेस्ट है ये है पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कहाँ है पॉलिटिक वाले तो है ही नहीं यहाँ से, कहाँ है पॉलिटिक्स वाले वो दिखाओ नहीं का दिखा। मिल रहे आपसे, अरे मिली तो रहे ना, उनके टेंट लग रहे अपना प्रदर्शन कर रहे कहीं बाहर, कहीं कुछ नहीं कर रहा। हाँ हाँ अब आगे समझ में, या किसान किसान बिरादरी है, हाँ तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आएगी और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे, देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा, भूख कितनी लगेगी अनाज की कीमत उतनी होगी, देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट के टिकट एक ही दिन में 4 बार उनके टिकट के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से अनाज की कीमतें किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख लगेगी उसकी कीमत देश में अनाज की कीमत भूख पे तय नहीं होगी। बोला कि अभी रास्ते अभी भी खुले हैं सदन के पास, सदन के रास्ते थ्रू भी हम दूध की भी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, बाहर से दूध बहुत निर्यात हो रहा है, देश का किसान जो दूध का उत्पादन करने वाला है मर गया पूर्ण रूप से, लागत जाते हैं और दूध में जो बिकता है वो कम रेट पर बिकता है, पानी से सस्ता देश में दूध बिक रहा, आज भी ग्रामीण उसमें 22 से लगा के और 28 रुपये किलो तक का दूध बिकता है, इससे खर्चा नहीं चलता, उसका भी एक रेट फिक्स हो। पशु की बहुत संख्या घट गई है देश में, टर्की जैसे देश के हालात होंगे दूध बाहर से निर्यात होगा, पशु में कटान में जाएंगे, जमीन ने बर्बाद होगी, पशु नहीं होगा तो जमीन नहीं रहेगी, तो पूर्ण रूप से ये है कि जो टर्की के हालात है वो यहाँ पे नहीं होने देंगे, वहाँ पे आज एक भी पशु नहीं है। गतिरोध ये है, आप प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, जिस तरह से गैस के सिलेंडर पे जनता से अपील करी कि सब्सिडी छोड़ने की, अब प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो कितने लोग पेंशन छोड़ देंगे, हमारे नौजवानों को पेंशन नहीं है और मेंबर पार्लियामेंट और इनको पेंशन है, तो एक अपील प्रधानमंत्री जी उनके लिए भी कर दें कि जो विधायक एमपी पेंशन छोड़ दे उसका धन्यवाद करेगा ये मोर्चा। नहीं नहीं अगर वे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा बात करेगा, हमारी कमेटी बात करेगी, हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। दर्शन पाल ने ये कहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो फार्मर्स की गवर्नमेंट है, अब उसका वक्त आ गया, वो गवर्नमेंट को एनडीए से निकालना चाहिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है किसान ये पॉलिटिकल होते जा रहा है क्या जा रहा है? नहीं कोई पॉलिटिकल नहीं है हो रहा, वहाँ की जनता की आवाज होगी तो कहा होगा। उत्तराखंड में जो हुआ है क्या किसान बिल्कुल मदद करेंगे और हमने पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सब लोगों को जो जिले लगते हुए वहां पर जाएंगे जो त्रासदी होगी उसके लिए संज्ञान में है, प्रशासन को जिस चीज की जरूरत होगी वो बताए, हर जिले के हमारे यूनिट उनकी मदद करेगी और उत्तराखंड में जिस चीज की भी जरूरत होगी हर मोर्चे से किसान वहाँ पे, पहले भी जब वहाँ पे गढ़वाल में उसमें त्रासदी हुई तो वहाँ पे लोग गए और हम पूर्ण रूप से उन लोगों की मदद करेंगे। नहीं हम चर्चा करना चाहते, हमने तो कहा है ना कि बिल्लू को वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बनाओ, ठोस नीति एमएसपी पे बननी चाहिए, देश के किसानों को उसी से ही लाभ होगा, ये कहा है। हमने ये कहा कि जब वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो पहले वो सफेद वो काला निकाल दें जो बचेगा फिर देखेंगे, पहले वे तो निकाल लें, वे 15 संशोधन करना चाहते हैं उसमें, वे पहले 15 करे और फिर बतावे तो इसका मतलब काला है, वे बतावे कौन कौन सा काला है। वो एक नई जमात पैदा हो गई है जो आंदोलन के बगैर नहीं रह सकती, तो कहते लोग भी हैं जो सीए में भी देखे गए थे और इन आंदोलन में भी देखे जा रहे हैं। नहीं यहाँ तो नहीं कोई आया, 12
और ये आंदोलन उसी का ही तो है, और हमें भी तो उनकी चिंता है भाई। पहले जो 2 हेक्टेयर से किसान कम लोग हैं, पहले उनकी 6,000 से बढ़ा के उनकी आमदनी बढ़ा दो, उनकी पहले 24,000 कर दो, सेकंड फेज में दूसरे का उन किसानों का कर्जा माफ कर दो, पहले छोटे किसानों का कर्जा माफ हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और जी हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।